राम राम जी। और क्या हाल आप सबका, आशा करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे। तो गाइज, आज का ब्लॉग में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। तो आज मैं जो ब्लॉग बनाने जा रहा हूँ वो मतलब एक ऐसे शख्स के ऊपर बनाने जा रहे हैं जिसने समाज सेवा ही नहीं बल्कि अपने लोगों के बारे में सोचा है। हाँ दोस्तों, आपने देखा होगा फिल्मों के अंदर, गाँव के अंदर, जैसे कि अब भी नशा मुक्ति है जो उसका है, जो लत है उसकी है, जो बढ़ती लत बढ़ती ही जा रही है। तो हाँ दोस्तों, आज हम जा रहे हैं गांव डाकल के अंदर, और गांव डाकल के अंदर सरपंच है जो वहाँ के, उन्होंने एक अहम फैसला लिया है। एक ऐसा फैसला लिया है कि गांव डाकल के अंदर जो दारू है जो बिल्कुल बंद कर दी गई है, और अगर किसी भी शख्स ने वहाँ पर दारू पी या फिर दारू बेचने की कोशिश की तो उसको 51,000 रुपये जुर्माना और गाँव से बेदखल कर दिया जाएगा। तो हाँ दोस्तों, आज मैं बात कर रहा हूँ गांव डाकल की। तो चलो चलते हैं गांव डाकल और मिलते हैं वहाँ के सरपंच से। जी, दैनिक जागरण, चैल मीडिया और पिंजू पर आप लोग देखने वाले शायद दर्शक ने गौरव पिंजू पर होता राम राम। तो आज आप पहुँचे हैं गांव डाकल के अंदर, और गांव डाकल के अंदर एक ऐसा नियम लागू कर दिया, एक ऐसा कानून लागू कर दिया जो कि आज से पहले पूरे हरियाणा में कहीं भी नहीं हुआ। तो उस नियम को आज मतलब कि 2 महीने पूरे हो गए, और वो नियम क्या है तो बस सारी सारी बात गांव के सरपंच से कराएंगे। तो आप आज पहुँचे डाकल के अंदर, तो अपने मिल के यहाँ के जो सरपंच हैं उनका कुछ बात कराएंगे। नमस्कार जी। हाँ जी, नमस्कार जी। सबसे पहले आपके आपके चैनल के दर्शकों को नमस्कार। अच्छा जी, पहले तो आपको गर्व होता है, आप जो हमने बंद किया थे, जो गाँव के मुद्दे हैं, जो हमारे गाँव के अंदर नशा था, दारू को छोड़कर जो वगैरह वगैरह नशे थे उन सभी पर हमने रोक लगाई है, क्योंकि आज की जो नवयुवक पीढ़ी है वो नशे के कारण बर्बाद होती हुई दिखाई दे रही है। हमने अपने नौजवानों की तरफ देखते हुए खेल को बढ़ावा दिया और नशे को से उनको दूर रखा, और गांव का माहौल नशे के कारण काफ़ी ख़राब हो चुका था। इस सभी को देखते हुए हमने इस चीज़ पर रोक लगाई। कितने दिनों गए जी जो आपने नशा बंद कर रखे गांव के अंदर? लगभग 3 महीने हो गए। और कितना सुधार हो रहा है अभी? 99% सुधार है अभी, मतलब ये मान के चलो 100% मान के चलो अभी हमारे गाँव के अंदर कोई भी किसी भी तरह का नशा ना कोई बेचता ना कोई पीता। तो बहुत अच्छी बात है, देखो गांव तक के अंदर ये मतलब जो नियम बनाया है। तो आप हमें ये बताइए, अगर मान ले कोई कुर्ता खुल रहा है तो उसके लिए क्या शिकायत है, क्या पनिशमेंट मिलेगी उसको? अगर हमारे गांव के अंदर कोई भी शराब बेचता हुआ मिला हमें तो उसको 5100 रुपये दंड है, और उसको वैसे भी सामाजिक तौर पर प्रताड़ित किया जाएगा। तो आपने देख लिया, तो सब बस आपका कहना है कि 51,000 रुपये जो उसका जुर्माना है। तो अभी जो यहाँ के आपने कोई मतलब खेल के बारे में बताओ, कुछ पर्कों के बारे में। खेल हमारा खेल के हमारा गांव के अंदर जो खिलाड़ी हैं वो बहुत ही उत्सुक हैं, और हमारे गांव के लड़के अभी कविता कुंडू पूरे हरियाणा के अंदर साइकिलिंग रेस में फर्स्ट आई है, और हम कोशिश करते हैं उसको कि वो नेशनल में खेले और इंटरनेशनल खेले। और हमारे गाँव में जो खिलाड़ी हैं, यहाँ पर हमारे थोड़ा स्टेडियम की सुविधा न होने के कारण वंचित है। मैंने अभी सभी खिलाड़ियों को जो विकेट होती है वो दिलाई, और मैं हर तरह से खिलाड़ियों को सपोर्ट करता हूँ। तो अभी जो गांव के अपने हरियाणा के मीडिया के अंदर के मतलब लोग देखने लगे, दर्शक देखने लग रहे हैं, तो उन्हें आप क्या कहना चाहोगे? मेरा तो सभी को यही कहना है कि सभी नौजवानों से, सभी खिलाड़ियों से, सभी बच्चों से कि नशे की लत से दूर रहो, खेलों की तरफ और पढ़ाई की तरफ अपना ध्यान रखो, ताकि अपनी ज़िंदगी सुधर सके और भविष्य में कुछ तरक्की कर सको। तो बहुत बहुत धन्यवाद साहब सरपंच साहब का कि हमें आपका कीमती समय दिया। तो देखो, जो सरपंच साहब ने निर्णय लिया, जो कानून आया, बहुत अच्छी बात है। अच्छा सरपंच साहब, ये बताओ जो आपने ये कानून आया, पहले भी किसी गांव के अंदर है ये ऐसा कानून? देखो, मैंने तो कभी किसी गांव के अंदर सुना नहीं, वैसे अगर आपने सुना तो आप ज़्यादा नॉलेज रखते हो इस चीज़ की। नहीं नहीं, हम मैंने अभी मतलब पहली बार देखा है कि मतलब ऐसा कानून बनाया है, तो बहुत अच्छी बात है। देखो, खेलने का मौका मिला बड़कन है, ना सारा दूर होएंगे, और आने वाली पीढ़ी है जो ना बहुत ज़्यादा सीख मिलेगी। तो सरपंच साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है गाइज, तो गाइज आज हम गए थे डाकल गाँव के अंदर, और डाकल गाँव के अंदर आपको पता है कि एक मतलब कानून लागू कर दिया है जो कि दारू छोड़ने का है, दारू बंद करने का बिल्कुल।
तो हमने आज सरपंच से बात की है और सरपंच का कहना है कि हमारा जो कानून है दारू बंद हो या ना पूरे आज 3 महीने हो गए और गांव के अंदर काफ़ी सारा जो सुधार है और जो पहले था मतलब नशा मुक्ति से मतलब कि काफ़ी सारा छुटकारा मिल चुका है। तो मतलब कि यही कहा है कि बहुत अच्छा फैसला लिया है और इस फैसले पर खड़े उतर रहे हैं लोग, काफ़ी अच्छे हैं और लोग मतलब कि कहना भी मान रहे हैं। तो जो आज का ब्लॉग है गाइज मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। अगर मेरा ब्लॉग पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें। कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय हरियाणा।